फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी हम एम्ब्रियोलॉजी के द्वारा कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना, क्रमिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू बर्थ या एग टू हैचिंग, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। यानी एम्ब्रियोलॉजी का मीन्स हुआ एग से लेकर के और जन्म तक के बीच का जो भी अवस्थाएं हैं, जो भी स्टेजेस हैं, ठीक है, उनकी हम उनका हम अध्ययन करें, या एग से लेकर के हैचिंग तक, अगर वो एग है और हैचिंग स्टेज में जा रहा है तो एग के अंदर जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इसकी स्टडी को कहते हैं मेरे बच्चे एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, के ई वॉन बियर, फादर ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी या मॉडर्न डेवलपमेंटल बायोलॉजी इनको बोलते हैं, के ई वॉन बियर। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली के ई वॉन बियर ने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं बियर लॉ, बियर्स लॉ इसको बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बियर्स लॉ क्या कहता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर अपीयर अर्लियर देन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। यानी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है तो जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसके पहले जो जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जो एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर होता है, वो अपीयर होके आता है। यानी इनके कहने का मीन्स ये है कि हमारे बॉडी का जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है तो स्पेशल स्ट्रक्चर आने के पहले जो जनरल स्ट्रक्चर है, यानी इवोल्यूशन के द्वारा जैसे हम फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल से होते हुए आए हैं, वो जो जनरल स्ट्रक्चर है वो बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। तो अब हमारा टॉपिक होगा बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, यानी बियर्स लॉ में ही थोड़े से चेंजेस किए गए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लगभग 1859 के करीब में जो है आपके डार्विन सर ने जो अपनी डार्विन थ्योरी दी थी, ठीक है, उसी में कुछ चेंजेस ला करके 1868 में हिकेल एंड मुलर नाम के दो साइंटिस्टों ने जो है वो बायोजेनेटिक लॉ दिया। इसीलिए बायोजेनेटिक लॉ को हम हिकेल लॉ के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हिकेल लॉ से जानते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये लॉ कहता क्या है, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ठीक है ना, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। रिकैपिटुलेट्स मीन्स रिपीट करता है, फाइलोजेनी मीन्स एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो एम्ब्रियो है, वर्टिब्रेट का जो एम्ब्रियो है, ठीक है ना, वो जो है जब उसमें डेवलपमेंट होता है तो वो अपने सारे के सारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को क्या करता है, रिपीट करने की कोशिश करता है। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स या रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी का मतलब कि जो भी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो रिपीट करता है अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को। ओके, तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा वर्टिब्रेट एम्ब्रियो का। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इस स्ट्रक्चर को छुपा दिया जाए तो आप यहां पर यह नहीं बता पाओगे कि ये जो एम्ब्रियो है वो किसका है, ये इंसान का है, ये बर्ड का है, ये एम्फीबियन का है या फिश का है। अगर मेरे बच्चे इसको मैं छुपा दूं तो आप नहीं बता पाओगे। मींस क्या कि ये सारे एम्ब्रियोज स्टार्टिंग स्टेज में एक जैसे दिखते हैं, फिर थोड़ा सा चेंजेस हमने लाया, ठीक है ना, अगला स्टेज इसका आया तो ये एम्ब्रियोज थोड़े थोड़े अब अलग दिखने लगे, और लास्ट में क्या है, ये आप देख सकते हो, ये फिश है, ये सैलामेंडर है, ये चिकन यानी बर्ड है, और ये इंसान का एम्ब्रियो है, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में देखो, इंसान का एम्ब्रियो भी फिश के एम्ब्रियो जैसा दिख रहा है, या एक बर्ड का एम्ब्रियो भी फिश के जैसे एम्ब्रियो से दिख रहा है। तो एक बात बताओ, इंसान का एम्ब्रियो फिश के एम्ब्रियो से मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशली जो मैमल्स की उत्पत्ति हुई है, या बर्ड की जो ओरिजिन हुई है, ठीक है, या रेप्टाइल्स की जो ओरिजिन हुई है वो फिश लाइक एनिमल्स से हुई है। अभी कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं टैडपोल का। स्पेशली अगर टैडपोल के लार्वा की बात करें, ठीक है,
तो टैडपोल का लार्वा कुछ ऐसा ही होगा। तो टैडपोल के लार्वे में अगर हम देखें तो उसमें लैटरल लाइन सिस्टम और गिल अपरकुलम पाया जाता है। लैटरल लाइन सिस्टम समझिएगा, मछलियों का जो लैटरल बॉडी होता है, या मान लो ये फिश है तो फिश का ये जो लैटरल बॉडी है किनारे का हिस्सा, यहां पर एक लैटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। बात समझ मेरी समझ में आई? और गिल्स में अपरकुलम, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपके टैडपोल के लार्वा में देखने को मिल रही हैं। जो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि टैडपोल का लार्वा भी फिश जैसे एनिमल से ओरिजिनेट होगा, ठीक है ना। तो टैडपोल लार्वा पहला एग्जांपल है, में क्या पाया जाता है, लैटरल लाइन सिस्टम एंड गिल, ठीक है ना, जैसा स्ट्रक्चर। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टीथ इन बॉल्ड एम्ब्रियो। अगर बॉल्ड के एम्ब्रियो में देखा जाए, ठीक है ना, तो टीथ जैसे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक बात बताओ, बॉल्ड में तो टीथ नहीं होता, लेकिन उसके एम्ब्रियो में टीथ जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, जो ये बता रहा है कि बॉल्ड का ओरिजिन रेप्टाइल जैसे जीव से हुआ है। तो लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ टीथ इन बॉल्ड एम्ब्रियो। तीसरा है गिल आर मीजोनेफ्रिक किडनी इन ह्यूमन बींग। गिल आर मीजोनेफ्रिक किडनी, जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ह्यूमन की अगर एम्ब्रियो की बात करें तो यहां पर गिल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, और मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी स्पेशली फिश और एम्फीबियंस में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इंसान के एम्ब्रियो में मीजोनेफ्रिक किडनी पाया जा रहा है, जो फिश और एम्फीबियंस में पाया जाता है। इंसान के एम्ब्रियो की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मीजोनेफ्रिक किडनी है। आगे चल के एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट होगा तो मेटानेफ्रिक किडनी में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इंसान के एम्ब्रियो में मीजोनेफ्रिक किडनी पाया जा रहा है, जो फिश और एम्फीबियंस का इंडिकेटर है। ये भी एग्जांपल हमें बता रहा है कि जी हाँ, हमारा इवोल्यूशन फिश और एम्फीबियन जैसे जीवों से हुआ है। और चौथा एग्जांपल है इकाइनोडर्म का लार्वा। इकाइनोडर्म की बात करोगे तो इकाइनोडर्म जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, आपको बता है, इकाइनोडर्मेटा जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, लेकिन इकाइनोडर्म का जो लार्वा है वो बाइलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इकाइनोडर्म्स, ठीक है ना, में ऐसे ओरिजिन है। अगला हम देखेंगे सिमिलैरिटी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो स्पेशली जो एग है वो स्पेशली सिंगल सॉरी जाइगोट से, जाइगोट यहां लिख सकते हैं हम, जाइगोट, ठीक है ना, तो जाइगोट से स्पेशली जो है मारुला देन ब्लास्टुला बना। तो जाइगोट एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, प्रिमिटिव सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का साइन हो सकता है। उसके बाद मारुला और ब्लास्टुला आ रहे हैं, ठीक है, तो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लैटीहेल मींस ये सब क्या है, सेल्स के अरेंजमेंट में इनमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सिमिलरिटी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी ये बात शो कर रहा है। तीसरा है आपका डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन के डेवलपमेंट की बात करें तो जरा ध्यान लीजिएगा, स्पेशली जो फिश होती है उसमें इंटरनल ईयर पाया जाता है, और एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर पाया जाता है, जबकि जो मैमल्स हैं उनमें मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर तीनों पाया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिश में केवल इंटरनल ईयर है, एम्फीबियंस में इंटरनल और मिडिल दोनों ईयर है, जबकि मैमल्स में तीनों है, ठीक है। तो मैमल्स में तीनों पाया जा रहा है, जो क्या शो कर रहा है कि ये फिश जैसे एनिमल से होता हुआ आया है। अगला एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, हार्ट चेंबर। स्पेशली फिश में दो चेंबर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है ना, इसके बाद एम्फीबियंस में आते हैं तो थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है, ठीक है, इसके बाद रेप्टाइल्स में आते हो तो इनकम्प्लीटली जो है फोर चेंबर्ड हार्ट है, ठीक है ना, क्रोकोडाइल और को छोड़ करके एलिगेटर्स को, और बर्ड और मैमल में फोर चेंबर्ड हार्ट है, ठीक है। तो ये जो चेंबर्ड हार्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि स्पेशली टू चेंबर्ड हार्ट से थ्री चेंबर्ड हार्ट, थ्री चेंबर्ड हार्ट से फोर चेंबर्ड हार्ट जो आया, ये भी क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंसानों की उत्पत्ति या मैमल्स की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, फिश लाइक एनिमल से हुई है। अगली बात करते हैं किडनी की, तो स्पेशली किडनी प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस तीन टाइप के होते हैं। स्पेशली जो मीजोनेफ्रिक किडनी होता है वो स्पेशली फिश और एम्फीबियंस में पाया जाता है, जबकि मेटानेफ्रिक किडनी जो है ये आपके रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में पाया जा रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैमल की बात करें तो मैमल में भी जो किडनी है एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीजो टाइप की है,
जबकि एडल्ट स्टेज में मेटाटाइप की है। तो ये क्या बता रहा है कि किडनी जो ऑर्गन है ये भी बता रहा है कि स्पेशली जो मैमल्स है, बर्ड है या रेप्टाइल्स है, ठीक है, इनका ओरिजिन फिश लाइक एनिमल से हुआ है। ठीक है, तो ये आपने जाना डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अगली बात करते हैं फेट ऑफ थ्री जर्म लेयर। ठीक है ना, सी है फेट ऑफ थ्री जर्म लेयर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, थ्री जर्म लेयर्स की बात करें तो किडनी जो है, ओके, किडनी की बात करें सबसे पहले तो किडनी जो है वो स्पेशली फिश से लेकर मैमल्स में सब में एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। आप लोग एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर में पढ़े होंगे कि सबसे बाहरी जर्म लेयर एक्टोडर्म होता है, ठीक है, अंदर वाला एंडोडर्म होता है और बीच वाला मीजोडर्म होता है। तो किडनी जो है, चाहे वो फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो या मैमल हो, सब में मीजोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सारे फिश लाइक एनिमल से ओरिजिनेट हुए हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप हार्ट की, हार्ट भी के साथ भी ऐसा ही है, हार्ट भी मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। तो चाहे वो फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो या मैमल हो, हार्ट क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। तो क्या है मेरे बच्चे, ये बता रहा है कि मैमल्स या जो भी हैं मीजोडर्मल ओरिजिन। तो ये बता रहा है कि बर्ड, मैमल, एम्फीबियन जो भी है वो फिश लाइक एनिमल से आए हैं। तीसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो ब्रेन का। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन चाहे वो फिश का हो, एम्फीबिया का हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो या मैमल हो, सब में एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जी हां, मैमल्स, बर्ड्स, ये सारे के सारे फिश लाइक एनिमल से ओरिजिन होकर आए हैं। लास्ट एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में मेरे बच्चे हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल फ्रॉम प्लांट्स। आपको पता है कि स्पेशली ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनमें सीरिएटेड स्पर्म होता है, स्पर्म में सीरिया लगा होता है और साथ ही साथ पानी जो है वो जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उनमें ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ना तो वो सीरिएटेड स्पर्म रखते हैं और ना ही पानी जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जरा समझिएगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म के दो प्रिमिटिव ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं, साइकेड और गिंगो, GINKGO, ठीक है ना, गिंगो। तो साइकेड एंड गिंगो ये दोनों प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है, इनमें सीरिएटेड स्पर्म पाया जाता है, ठीक है ना, और पानी इनमें जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में साइकेड और गिंगो ये सिलिएटेड स्पर्म रख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स से ही ओरिजिन होकर आया है। तो हमने प्लांट से भी एक एग्जांपल देखा कि स्पेशली जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स से ही ओरिजिन होकर आया है और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइकेड और गिंगो।